बातें ऐसी चल रही है मार्केट में जो आपको डिस्करेज करती है। पहली कि गवर्नमेंट जॉब वो लोग ले सकते हैं जो बहुत ही पढ़ने में तेज हो, तो आईएएस वही बनेगा जो टॉप स्कूल में अंदर टॉपर बना। तो उसकी यार मैं मूवी देख ली है अभी, तो मैं टूट गया है ना। देखिए दूसरा कि भाई इसमें करप्शन बहुत हो, जिसके पास पैसा है पावर है वही गवर्नमेंट जॉब लेता है, तो ये भी गलत बात है। आप तो देख चुके अपने आस पास के भी लोग उठकर गवर्नमेंट जॉब ले रहे हैं। इसके एक और इंग्लिश मीडियम बच्चों का सिलेक्शन होता है बड़ी जॉब के लिए, ये भी लगता है ना, विशेष तो लगता है। तो ये बिल्कुल नहीं है ना, इसको छोड़ दो भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है और उतनी ही अपॉर्चुनिटी है जितनी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और अगर स्टेट गवर्नमेंट जॉब में आ जाए ना तो भाई हिंदी मीडियम वालों का ज़्यादा बोलवा रहा है ना, स्टेट लेवल पर अगर हम आ जाए तो हिंदी मीडियम का और ज़्यादा बोलवा रहा है। और सेंटर पर भी बात करें तो धीरे धीरे से ये इंग्लिश का बैरियर हटता जा रहा है। आप अगर रेलवे की वैकेंसी देखेंगे ना आज के डेट में, तो रेलवे के किसी भी एग्जाम में हिंदी नहीं, को इंग्लिश या हिंदी कोई भी लैंग्वेज नहीं पूछी जाती। इवन आज के डेट में बैंकिंग सेक्टर में भी आरआरबी की जो जॉब्स आती है ना, रीजनल रूरल बैंक ग्रामीण बैंक, उसमें भी आपको चॉइस होती है हिंदी या इंग्लिश, अपने हिसाब से चॉइस कर लो। तो ये मिथ हटा दो कि इंग्लिश मीडियम वालों की नौकरी लगती है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब लगती है, भूल जाओ इसका। तो हम भी उतने ही कैपेबल हैं, सेम पढ़ाई करके जा सकते, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, और तो नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे अब यहाँ तक तो हमने थोड़ा डिस्कस किया कि क्या करना है ना, क्यों करना है, ये भी थोड़ा सा डिस्कस हो चुका है। अब आगे हमारे बीच में रजत सर है जो ये बताएंगे कि क्या